हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं हूँ अशोक कुमार और आप देख रहे हो अपना चैनल केमिस्ट्री वाला नीट। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन तभी होगा जब अनसेचुरेशन हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तभी होगा। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, जब डबल बॉन्ड होगा इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन रिच होगा। वो तो इलेक्ट्रॉन रिच होगा तब उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कैसे करेगा, इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कैसे करेगा, ये तो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है। तो ये तभी संभव है, तभी पॉसिबल है जब ये ग्रुप हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव हो, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो और ये एटलीस्ट डाइवेलेंट हो, तभी तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की। पॉलिंग स्केल पे 4, ऑक्सीजन की 3.5, सेकेंड हाईएस्ट है ऑक्सीजन, क्लोरीन और नाइट्रोजन की 3 है, तो उसकी कम है। तो फिर क्या होगा, ये ऑक्सीजन होगा। तो अगर यहाँ ऑक्सीजन है, अगर यहाँ ऑक्सीजन है तो ये कार्बोनिल कंपाउंड हो गया। तो कार्बोनिल कंपाउंड होगा वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है। यहाँ एल्काइल ग्रुप हो सकता है, अगर यहाँ एल्काइल ग्रुप होगा तो यहाँ भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, या फिर हाइड्रोजन होगा। अगर हाइड्रोजन होगा तो एल्डिहाइड हुआ, अगर दोनों एल्काइल ग्रुप है तो फिर कीटोन हुआ। अच्छा, इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। तो ये प्लैनर हो गया, sp2 है तो ये प्लैनर हो गया। ये एक ही प्लेन में सारे के सारे, ये एक ही प्लेन में है। तो न्यूक्लियोफाइल जब इस पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल हो गया इस पर, मीन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड, सॉरी पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये तो इलेक्ट्रोफाइल हुआ। न्यूक्लियोफाइल मीन्स निगेटिवली चार्ज्ड। तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रंट साइड से भी कर सकता है, बैक साइड से भी करेगा, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो ये इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव भी चार्ज हो जाएगा। ये क्या है, कार्बोनिल कार्बन, इसको बोलते हैं कार्बोनिल कार्बन। तो ये पॉजिटिव भी चार्ज होगा तो ये इस पर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, ये दोनों साइड से अटैक करेगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, यहाँ निगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो ये निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब देखो, अब ये यहाँ क्या हो रहा है, इस पर अगर ये चारों ग्रुप अलग अलग हो तो ये कार्बोनिल कार्बन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कार्बोनिल नहीं, काइरल कार्बन, काइरल कार्बन मीन्स ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो जाएगा। और ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो यहाँ तो पॉसिबिलिटी है, फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल और बैक साइड से, तो दोनों की पॉसिबिलिटी 50-50 है। तो डेक्स्ट्रो भी बनेगा और लीवो बनेगा, दोनों इक्वल अमाउंट में बनेगा, आर कॉन्फ़िगरेशन या फिर एस, दोनों इक्वल अमाउंट में बनेगा। तो क्या होगा, इक्विमोलेक्युलर मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो इज कॉल्ड इनेंसियोमर एंड इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन। मीजो कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन। तो ये इसका मैकेनिज्म होगा, फिर H2 अटैक करेगा तो यहाँ H आ जाएगा। क्लियर है। अब डिफरेंट रिएक्शन देखते हैं। पहला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है एडिशन ऑफ HCl,
हाइड्रोजन साइनाइड टू एल्डिहाइड और कीटोन। तो अगर ये क्या है, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड प्लस HCN, ये अल्केलाइन मीडिया में, अल्केलाइन मीडिया या तो ये लिखो या फिर pH 8-9 के राउंड, तो फिर क्या होगा, साइनोहाइड्रिन बनेगा। जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन इसको बोलेंगे, हाइड साइनोहाइड्रिन। और अगर ये कीटोन है, ये एसीटोन है, तो इसको बोलेंगे एसीटोन साइनोहाइड्रिन। इसका इंपॉर्टेंस है इस रिएक्शन का, अगर इसकी हाइड्रोलिसिस आप कर दोगे, अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये साइनाइड ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, CH3 CHOH CHOH COOH, तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। या फिर अगर एसिटाल्डिहाइड के बदले में कोई भी एल्डिहाइड है तो क्या होगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोलिक एसिड बनेगा, अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर है? तो इसका मैकेनिज्म क्या होगा, तो फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन का मैकेनिज्म क्या होगा, HCN, ये डिसोसिएट होगा H प्लस और CN माइनस में। लेकिन अगर अल्केलाइन मीडिया है तब आसानी से, अदरवाइज ऐसे भी डिसोसिएट होगा, तो H2O और CN, H2O ये होमोलाइटिक नहीं होगा, इसका हेट्रोलाइटिक होगा, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन साइनाइड पे चला जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया न्यूक्लियोफाइल, अटैक करेगा एल्डिहाइड पे, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इधर शिफ्ट होगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे, और ये माइनस, इसके बाद क्या होगा, H प्लस, HCN का H प्लस अटैक करेगा, आप बोलो कि H प्लस तो यहाँ H2O में कन्वर्ट हो गया, तो ये भी तो डिसोसिएट होगा, फीबली डिसोसिएटेड, और HCN भी रहेगा, क्योंकि ये सब हो कहाँ रहा है, एक या तो टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन कराओ या राउंड बॉटम फ्लास्क में कराओ, कहीं भी कराओगे तो सारे मॉलिक्यूल तो इकट्ठे रहते हैं ये एक दूसरे से के पास पास, तो ये क्या हो गया, साइनोहाइड्रिन बन गया। ये तो ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका मिरर इमेज भी बनेगा, मीन्स डेक्सट्रोलिवो दोनों बनेगा इसका, तो ये हो गया एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। हाइड
साइनोहाइड्रिन, ये हो गया इसका मैकेनिज्म। यहाँ अल्काइल ग्रुप लगा दो तो ये कीटोन हो गया, फिर यहाँ कीटोन आ जाएगा, तो कीटोन साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। तो दिस इज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ HCN हाइड्रोजन साइनाइड टू एल्डिहाइड और कीटोन। नेक्स्ट क्या है, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड टू एल्डिहाइड और कीटोन। नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, एडिशन ऑफ सोडियम बाई सल्फाइड, एडिशन ऑफ सोडियम बाई सल्फाइड, एडिशन ऑफ NaHSO3, सोडियम बाई सल्फाइड भी बोलेंगे और सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड भी टू कार्बोनिल कंपाउंड। तो क्या हो गया, ये हुआ एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड अगर ये रिएक्शन करेगा सोडियम बाइसल्फाइड से तो ये बनाएगा CHOHSO3Na, एसीटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट, एसीटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट है इसलिए इसको बोलते हैं एडक्ट। अगर जब हम एसीटोन लेते हैं, एसीटोन, तब एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट बनाता है, SO3Na, ये ऑक्सीजन से अटैच्ड है, मैकेनिज्म में देखेंगे हम। ये क्या हो गया, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट। अच्छा देखो, ये बल्की ग्रुप है, तो बल्की ग्रुप है और इसको ऑक्सीजन पे अटैच नहीं होना है, कार्बन पे अटैच होना है, तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करता है, इसलिए एल्डिहाइड के साथ जो रिएक्शन होती है वो फास्ट होगी, इसके साथ स्लो होगी, और ये एसीटोन के साथ ही रिएक्शन देती है। अगर मिथाइल यहाँ डाल दिया तो फिर रिएक्शन नहीं होगी, आइसोप्रोपाइल ग्रुप डाल दिया तो फिर रिएक्शन नहीं होगी, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप यहाँ डाल दिया तब रिएक्शन नहीं होगी, केवल एसीटोन के साथ ही रिएक्शन होगी और एल्डिहाइड कोई भी रिएक्शन देगा। क्लियर है। अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन में क्या, ये जब बल्की ग्रुप होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा, तो ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड एसीटल्डिहाइड प्रोपेनल्डिहाइड एसीटोन ये होगा ऑर्डर। ये बल्कि ग्रुप जैसे जैसे बढ़ता जाएगा CH3 की जगह पर C2H5 लगा दो आप, CO C2H5
इसकी और रिएक्टिविटी कम जाएगी। तो ये क्या हुआ, स्टेरिक फैक्टर तो काम करता ही है, और दूसरी बात क्या है, जितने भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और ये मिथाइल ग्रुप अल्काइल ग्रुप की क्या प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट शो करना। तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, वो डिमिनिश हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज तो जनरेट होगा पाई इलेक्ट्रॉन की इधर शिफ्ट होने के कारण, जिसके कारण यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। लेकिन अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम करेगा। तो एल्डिहाइड में तो एक ही अल्काइल ग्रुप है और कीटोन में दो है, तो कीटोन इज लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड। इसका मैकेनिज्म देखते हैं, तो मैकेनिज्म क्या होगा, सोडियम बाइसल्फाइड की एल्डिहाइड या कीटोन के साथ NaOSOH, ये क्या हो गया, सोडियम बाइसल्फाइड, ये डिसोसिएट होगा Na+ और SO3H-। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट होगा हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन की तरफ, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर निगेटिव चार्ज होगा, ये हो गया SO3H-, ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। अब क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ये पाई इलेक्ट्रॉन, इधर शिफ्ट होगा तो यह पॉजिटिव चार्ज होगा, इस कार्बोनिल कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा, तो क्या हो जाएगा, CH3 SO3 H and O-। क्लियर है। अब क्या होगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये जो H है यहाँ पे ये डिसोसिएट होगा और H+ यहाँ आ जाएगा, तो क्या बनेगा, SO3- और OH, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब यहाँ Na+ अटैक करेगा, Na+ अटैक करेगा और बन जाएगा एसीटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट, एसीटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट। अच्छा, अगर इसमें एसिड या बेस डाल दिया जाए तब क्या होगा, इसको लिखो, इफेक्ट क्या होगा एसिड या बेस का, सोडियम बाइसल्फाइड जब एल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा या कीटोन से, एसीटोन से ही करता है, बाकी कीटोन से करता नहीं, हाइयर कीटोन से नहीं करता, तो क्या होगा, इफेक्ट ऑफ एसिड और बेस ऑन द रिएक्शन ऑफ
सोडियम बाइसल्फाइट ऑन एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन होता क्या है, अभी मैकेनिज्म में हमने देखा कि सल्फाइट रेडिकल जो बनता है उसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है एसिड या बेस। कैसे? एक कार्बोनिल कार्बन है, सॉरी कार्बोनिल कंपाउंड है और SO3H-, यही तो रिएक्शन करता है, यही तो है न्यूक्लियोफाइल। तो अगर रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, रिएक्शन करता है तो बनाता है SO3H-। नहीं, अगर सोडियम आयन फिर आता है तो यहाँ पे ये इधर शिफ्ट होता है, फिर SO3 यानी यहाँ होता है और वो जाए अल्टीमेटली हो जाता है, ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, H यहाँ शिफ्ट हो जाता है और ये क्या हो जाता है SO3- और OH, फिर Na प्लस आता है और सोडियम बाइसल्फाइट एडक्ट बनाता है। लेकिन अगर एसिड या बेस डाल दिया तो क्या हो जाता है, इस न्यूक्लियोफाइल को ये डिस्ट्रॉय कर देता है, न्यूक्लियोफाइल जो है सल्फाइट आयन को एसिड और बेस दोनों डिस्ट्रॉय कर देता है, एसिड इसको कन्वर्ट कर देगा SO2+H2O में और बेस कन्वर्ट कर देगा इसको SO3 2- + H2O में। इसलिए एसिड और बेस के प्रेजेंस में इस रिएक्शन को नहीं कराते। जब एल्डिहाइड अल्कोहल से रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एसिड, वाटर नहीं होना चाहिए, नहीं तो कहानी साफ चेंज हो जाएगी, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो बनता है एसीटल, क्या है CH3, ये हुआ एसीटल डी हाइड। इसको अगर अल्कोहल से रिएक्शन करा दिया ये क्या हुआ इथेनॉल, एसिड के प्रेजेंस में तो ये H2O निकल जाएगा, H2O क्या होगा निकल गया और बन जाएगा C2H5। इसको बोलते हैं एसीटल, इसको बोलते हैं एसीटल। तो इसका मैकेनिज्म क्या होगा, मैकेनिज्म क्या होगा इसका देखते हैं। मैकेनिज्म क्या होगा, जब एल्डिहाइड किससे रिएक्शन करता है अल्कोहल से इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो देखो ये क्या है एसीटल्डिहाइड, ये है अल्कोहल इथेनॉल,
और एसिड के प्रेजेंस में कर रहा है, इसका मतलब H प्लस भी है यहाँ। इस पे क्या है, लोन पेयर, तो कार्बो, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा, तो ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा तो ये जो लोन पेयर है उसके साथ ये बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये फिर पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, और ये सिमुलटेनियसली यहाँ पे अटैक करेगा क्योंकि इस पर निगेटिव चार्ज होगा, तो फिर क्या बनेगा, CH3 H OH OH और यहाँ इथाइल ग्रुप, इसको बोलते हैं हेमी एसीटल, ये बन गया हेमी एसीटल। ये तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होगा, यहाँ से ए बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होगा और H प्लस निकल गया, H प्लस निकला, H प्लस निकलने के बाद जो बनेगा उसको बोलेंगे हेमी एसीटल, अभी ये हुआ हेमी एसीटल, हेमी एसीटल। अब क्या होगा, H एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं हम, तो ये इस पर अटैक करेगा और क्या बनाएगा, ओ। अब ये गुड लिविंग ग्रुप हो गया, क्या हो गया, ये गुड लिविंग ग्रुप हो गया, ये लेस बेसिक गुड लिविंग ग्रुप, अगर बेसिक ज़्यादा होगा तो लिविंग ग्रुप कमज़ोर होगा, तो ये क्या है OH माइनस, ये बेसिक ज़्यादा है, ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, लेकिन यहाँ क्या निकलेगा, H2O निकलेगा, यहाँ H2O निकलेगा, तो इस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेकर के निकल जाएगा H2O और यहाँ पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, तो क्या हो गया माइनस H2O और CH3 CHO इथाइल यहाँ पॉजिटिव। अब इस पे क्या होगा, अल्कोहल अटैक करेगा, ETOH करेगा, तो क्या हो गया CH3 CO ET और H पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये OET, ये क्या करेगा H प्लस निकल जाएगा और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो माइनस H प्लस और ये बन गया एसीटल, इसको बोलते हैं एसीटल, डाइथाइल एसीटल डिहाइड एसीटल। तो क्या होगा, जब हम एल्डिहाइड की इथेनॉल के साथ या कोई अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं और एस्टर फॉर्म होता है, और हम जब यूज करते हैं एनहाइड्रस HCl, लेकिन अगर एनहाइड्रस एसिड के बदले में अगर वाटर यूज कर दिया, मीन्स डाइल्यूट एसिड यूज कर दिया, हाइड्रेटेड कर दिया, तो क्या इफेक्ट होगा, वो जो एस्टर बना है वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा, एसीटल जो बना है ये क्या है,
जो एस्टर बना है, तो अगर एनहाइड्रस एसिड के बदले में अगर वाटर है उसमें डाइल्यूट एसिड है तो क्या इफेक्ट होगा, हाइड्रोलाइज कर देगा पेरेंट एल्डिहाइड और एल्कोहल में, इसको हाइड्रोलाइज कर देगा CH3, ये हो गया एसिटल्डिहाइड प्लस एल्कोहल C2H5 OH में, तो डाइथाइल एस्टर ऑफ एस्टल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा एस्टल्डिहाइड एंड इथेनॉल में अगर एनहाइड्रस एसिड के बदले में हाइड्रेटेड एसिड डाइल्यूट एसिड यूज करेंगे तो पेरेंट एल्डिहाइड और एल्कोहल बनेगा। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ एसिटल फॉर्मेशन? एसिटल फॉर्मेशन इसलिए करते हैं क्योंकि एल्डिहाइड को प्रोटेक्ट करते हैं किससे, अगर अल्कली के साथ रिएक्शन हो रहा है या अल्कली के प्रेजेंस में कोई ट्रीटमेंट हो रही है तो अल्कली क्या करता है, कैनिजारो रिएक्शन देता है, एल्डोल कंडेंसेशन देता है, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम एस्टर फॉर्मेशन कर देते हैं और एस्टर से आसानी से हाइड्रोलाइज करके हम पेरेंट एल्डिहाइड गेन कर लेते हैं। तो इम्पोर्टेंस इसका यही कि हम एल्डिहाइड को प्रोटेक्ट करने के लिए एस्टर बनाते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक एसिड रिएक्शन, कौन सा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ कार्बोनिल कंपाउंड। तो क्या है रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है और इससे अल्कोहल बनता है। इसका इम्पोर्टेंस है कि अल्कोहल जो बनता है वो पेरेंट एल्डिहाइड और कीटोन से उसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होता है, तो इट इज़ यूज फॉर द एसेंडिंग ऑफ द चेन। तो क्या होगा, अगर हम फॉर्मल्डिहाइड लेंगे और कोई भी, ये क्या हो गया, एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, GOBr हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनेगा, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनेगा और ये प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, इसमें नंबर ऑफ कार्बन बढ़ गया, एल्काइल ग्रुप इंक्रीज हो गया, ये है फॉर्मल्डिहाइड। अगर फॉर्मल्डिहाइड के बदले, ये ग्रिग्नार्ड एजेंट, फॉर्मल्डिहाइड के बदले में कोई भी एल्डिहाइड, रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, अगर फॉर्मल्डिहाइड के बदले कोई भी एल्डिहाइड हम लेते हैं तो क्या बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल, ये है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड एजेंट हुआ, तो ये बनाएगा 2 डिग्री अल्कोहल, ये हो गया 2 डिग्री अल्कोहल सेकेंडरी एल्कोहल और नंबर ऑफ कार्बन एटम भी बढ़ गया और क्या बनेगा, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अगर कीटोन लेते हैं तो 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, ये हुआ एसीटोन, ये हुआ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ये बन जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल,
हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्लस 3 डिग्री एल्कोहल। क्लियर है? मैकेनिज्म क्या होगा इसका? मैकेनिज्म क्या होगा? एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी लो आप, और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो क्या है ये? मेटल है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, तो ये स्पेस शिफ्ट करेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव, तो ये न्यूक्लियोफाइल हुआ। ये क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल। ये कहाँ अटैक करेगा? इस कार्बन पे, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा ये, और फिर ये अटैक करेगा या। ओ एम जी बी आर और यहाँ आर एच। अब क्या होगा? अब क्या होगा? एच टू यहाँ अटैक करेगा। इसमें क्या है, अगर एच टू पहले यूज कर दिया, अगर एच टू पहले डाल दिया तो इसको कन्वर्ट कर देगा अल्केन में, इसलिए एच टू पहले यूज नहीं करना है। पहले अगर यूज कर दिया एच टू तो इसको कन्वर्ट कर देगा आर एच अल्केन और हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यहीं पे बन जाएगा ये, ये कंज्यूम हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन रिएक्शन थोड़ा होने के बाद H2O ऐड करना है। अब क्या बनेगा ये? H2O ऐड किया तो ये HOH में टूटेगा, H प्लस यहाँ आएगा और OH इसके साथ अटैच। यहाँ आर है, प्लस ये एल्कोहल बन गया और ये बन गया हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन विथ ग्रिग्नार्ड एजेंट। तो ये बनाता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल। अगर फॉर्मल्डिहाइड यूज करते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, कोई भी दूसरा एल्डिहाइड यूज करेंगे 2 डिग्री अल्कोहल, कोई भी कीटोन यूज करेंगे 3 डिग्री अल्कोहल। एग्जाम्पल है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। इसमें क्या इसका इंपॉर्टेंस है? चेन इलोंगेशन, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ जाता है। ठीक है, थैंक यू।